हेलो फ्रेंड, चलिए देखते हैं आज हम इस दूसरे निमेंटल के किरचॉफ्स लॉ पे जो दूसरा सर्किट है हमें गिवन है, तो दूसरे सर्किट पे देखते हैं क्या कैसे इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। आपको करंट फाइंड आउट करना है, कौन कौन से करंट I1, I2 एंड I3 करंट आपको फाइंड आउट करना है। आपके सामने सर्किट देखिए, सर्किट कम्प्लीटली दिखाई पड़ रही है, तो इसमें कुछ नहीं करना। आपको किरचॉफ्स कौन सा लॉ लग सकता है, बेसिकली इसमें जंक्शन लॉ भी अप्लाई होगा कहीं पे, लेकिन इसको लूप लॉ से आप सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप कम्प्लीटली आपको लूप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी कम्प्लीटली आपको लूप दिखाई पड़ रहा है। देख सकते हैं जैसे भी आप चाहें, तो यहाँ पे कम्प्लीटली दो लूप तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम लूप को कंसिडर करते हैं तो आप देखिए A, B, C, D, E, F कम्प्लीटली सभी लूप हैं। यानी अगर आप हम एक बार एक लूप को कंसिडर करेंगे, दोबारा दूसरी लूप को कंसिडर करेंगे और हम करंट की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम एक तरफ से चलते हैं, कौन कौन सा लूप लेते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, कंसिडर कौन सा दोस्तों, कंसीडर कौन सा लूप जो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो कंप्लीटली देखिए कंसीडर कर रहे हैं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पेस कम है। तो देखिए हम पहले लूप कौन सा लूप कंसीडर करेंगे दोस्तों, A, B, C, F। ध्यान दीजिएगा हम लूप कंसीडर करेंगे A, B, C, F और A पे आके खत्म हो जाएंगे। हम इस लूप फर्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा है लूप फर्स्ट है दोस्तों, इस लूप को हम फर्स्ट बोलते हैं। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है, ध्यान दीजिएगा लूप फर्स्ट है ये लूप फर्स्ट है ये सेकंड है। क्लियर, आई होप सारी वैल्यू आपको गिवन है, डायग्राम में दिख रही है क्लियरली। यहाँ पे वोल्टेज लगी है, बैटरी लगी है दोस्तों 20 वोल्ट की, यहाँ पे की बैटरी जो है 80 वोल्ट की। इसका रेजिस्टेंस अगर बात करें 20 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस 30 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस आपको दिया है 20 ओम, और बस 3 रेजिस्टेंस है, 2 बैटरी है, 1-2 कम्प्लीट लूप बना रहे हैं। तो हम लूप को अगर फर्स्ट लूप को कंसीडर करते हैं तो बैटरी हमारी ये फर्स्ट होगी। तो हमने बताया था आपको बैटरी से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए इसमें बात करेंगे। तो इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आप देख रहे हैं करंट I3 जा रहा है, और इस वाले इस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है दोस्तों I1, यहाँ पे शो किया गया है I1 इधर से जाएगा, इधर से पास होगा। तो पहले हम देखते हैं, अगर बैटरी की इक्वेशंस लिखते हैं, वोल्टेज इक्वेशंस लिखते हैं दोस्तों, तो 20 वोल्ट को हमने क्या किया, प्लस कंसीडर किया। हमने कहा था कि हाई से लो की ओर जाएंगे तो क्या होता है बैटरी के केस में, यहाँ पे 20 को हमने प्लस लिया। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट है, देखिए बड़ा जो लेबल होता है बैटरी का जो साइन होता है उसको हम प्लस मानते हैं, छोटे वाले को हम निगेटिव। अब बड़े की ओर से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बड़े से जा रहे हैं यानी प्लस की साइन से आगे बढ़ रहे हैं। तो करंट तो आप जानते हैं I3 कहां से होगा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज सप्लाई होगा, ये तो क्लियर है। रेजिस्टेंस को कैसे कंसीडर करेंगे, हमने बताया था हाई से लो यानी ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, यानी हाई से लो जा रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या करेंगे, माइनस कौन सा करंट है दोस्तों I3 है, ध्यान दीजिएगा कौन सा करंट है I3, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, रेजिस्टेंस 20 ओम का है, 20 ओम का रेजिस्टेंस I3 करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद आप आएंगे इस वाले रेजिस्टेंस में, आप देखिए डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है, हमारे लूप का पाथ भी यही था, यहाँ पे भी लूप का पाथ आप देख पा रहे हैं क्लियरली, लूप का पाथ आपको दिखाई पड़ रहा है, करंट के डायरेक्शन में ही लूप का पाथ है, अपोजिट नहीं है। इसका मतलब अगर आप लिखेंगे ना चाहते हैं तो I1 भी इसमें फ्लो होगा, I1 × 30 इक्वल टू क्या करेंगे दोस्तों, 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बनी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 − 20 I3 − 30 I1 = 0। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 20 20 30, आप 0 को कैंसिल कर सकते हैं सभी से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम इस माइनस वाले साइन को उधर ले जाइए, तो 3 I1 + 2 I3 = 2। आई होप आपको ये इक्वेशंस पहली फर्स्ट इक्वेशंस आपको ये मिलेगी, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट। यहाँ पे माइनस क्यों लगाए, हमने बताया था कि रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ से हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर करंट फ्लो हो रहा है, और लूप की डायरेक्शन भी दोस्तों इसी करंट की डायरेक्शन के साथ साथ में है, तो हाई से लो जा रहे हैं, इसका मतलब माइनस है, माइनस का मतलब होगा वोल्टेज ड्रॉप, ड्रॉप के लिए हमने माइनस साइन यूज करते हैं, गेन के लिए हम प्लस साइन। आई होप ये क्लियर हो गया। सेकेंड लूप हम कौन सा कंसिडर करेंगे दोस्तों, सेकेंड लूप दोस्तों देखिए सेकेंड लूप कौन सा है, सेकेंड लूप हम कंसीडर करेंगे, लूप सेकंड के लिए नाम कौन सा है, हम सेकंड लूप पूरे कंप्लीट सर्किट, क्योंकि एक बार बैटरी को एक ही बैटरी यूज करेंगे, पूरे कंप्लीट सर्किट को कंसीडर करेंगे, कौन सी होगी, ए होगा दोस्तों, बी होगा, डी होगा, ई होगा, और ए पॉइंट पे हम कंप्लीट क्लोज्ड लूप बनाना है, क्योंकि लूप को क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ध्यान दीजिएगा। इस लूप को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप अगर लूप की इक्वेशंस हम लिखना चाहते हैं तो हम अगर क्लियरली लूप की इक्वेशंस लिख सकते हैं, तो देखिए क्या इक्वेशंस आएगी, वोल्टेज इक्वेशंस आप लिखना चाहते हैं इसमें, देखिए कम्प्लीटली ए बी डी ई और ए, इसमें बाहर बाहर में देखिए एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, दो ही रेजिस्टेंस लगे हैं,
इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं आई टू करंट इस रजिस्टर 20 ओम में कितने ओम करंट फ्लो हो रहा है, कितने एम्पियर का आई टू एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितने ओम के रेजिस्टेंस में 20 ओम के रेजिस्टेंस में आई टू करंट फ्लो हो रहा है। आप बताइए बैटरी के प्लस सिरे से हम जा रहे हैं, प्लस से देखिए लूप की डायरेक्शंस क्या कंसीडर करेंगे दोस्तों, लूप की डायरेक्शंस आप कंसीडर करेंगे बिल्कुल जैसे मैंने इसमें कंसीडर किया था, प्लस से सर्किट की ओर प्लस से लूप की डायरेक्शन हमने रोटेट किया था, इसमें भी प्लस से लूप की डायरेक्शन ऐसे रोटेट करेंगे बिल्कुल सही है, ऐसे आके यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे क्लियर सेकंड लूप में। तो सेकंड की डायरेक्शन आप देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ही यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की डायरेक्शन ऐसे होगी, करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन आपकी। अब बताइए करंट भी हाई से लो की ओर जा रहा है, लूप भी हाई से लो की ओर जा रहा है, तो माइनस होगा डेफिनेटली। तो अगर इसकी लूप इक्वेशन लिखना चाहते हैं सेकंड के लिए तो क्या होगा 80 वोल्टेज माइनस आई टू और क्या होगा करंट कितना है दोस्तों 20 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये करंट ऐसे फ्लो होगा बट इसमें देखिए 30 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है आई वन फ्लो हो रहा है, इसमें आई टू तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, आई वन फ्लो हो रहा है। ये आई वन की डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, कैसे डायरेक्शन है 30 ओम का, देखिए 30 ओम क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 ओम का देखिए ऐसे रजिस्टर है, 30 ओम का रजिस्टर है, यहां से करंट आई वन फ्लो हो रहा है, आई वन फ्लो हो रहा है, लेकिन लूप की डायरेक्शन दोस्तों जस्ट अपोजिट है, ये लूप की डायरेक्शन है, ये लूप की डायरेक्शन से लूप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है राइट से लेफ्ट की ओर और करंट लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, दोनों अपोजिट हो गए, करंट हाई से लो की ओर जाता है आप जानते हैं ड्रॉप होता है, लेकिन लूप क्या कर रहा है लो से हाई की ओर जा रहा है। नहीं देखिए करंट हाई से लो की ओर जाता है ऑलवेज, ये क्लियर है आपको नोट करके रखना है, हाई से लो करंट फ्लो रहा बट लूप क्या है लो से हाई की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है गेन कर रहा है, लो से हाई मतलब गेन। अब हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं लूप के अकॉर्डिंग, तो गेन कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 30 × I1 क्लियर। अब उसके बाद और भी कोई सर्किट इसमें पड़ रही है नई सर्किट पड़ रही है कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, समीशन क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा समीशन जीरो हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन आपको एक इक्वेशन ये मिली है, दूसरी इक्वेशन आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको क्लियरली, इसको सॉल्व करने के बाद मिलेगा 80 − 20 I2 + 30 I1 = 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोस्तों, I2 माइनस भी कॉमन लेकर उधर कर देते हैं 2 I2 − 3 I1 = 8 क्लियर। आई होप क्लियर हो गया होगा, इसको हमने सॉल्व करके इक्वेशन सेकंड बना लिया, यानी 0 0 सब में कैंसिल कर दिया, इस I1 और I2 वाले पार्ट को हम 0 के साइड में लेकर चले गए, तो आपकी इक्वेशन ये सेकंड हो गई, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब बताइए एक और इक्वेशन थी कि दो इक्वेशन है अननोन कितने हैं दोस्तों, 3 अननोन है, एक I1 है I2 है I3 है। अब बताइए 3 अननोन होते हैं तो कितनी इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन जरूरत होती है 3 इक्वेशन, तो तीसरी इक्वेशन हम कैसे कंसिडर करेंगे आप अप्लाई करेंगे जॉनसन्स रूल के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ CL यानी जॉनसन्स करंट लूप लगाएंगे, यानी किरचॉफ CL जॉनसन्स रूल लगाएंगे, कौन सा दोस्तों I3 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए I3 करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा है, इधर से I2 इधर नीचे की ओर जा रहा है, I1 ऊपर की ओर जा रहा है, यानी I3 क्या कर रहा है I3 समीशन कितना होगा, I3 आने वाला इस नोड पे, देखिए इस नोड पे क्या क्या आ रहा है I3 आ रहा है, बाकी दोनों जा रहे हैं, तो I3 आ रहा है इक्वल टू जाने का सम के बराबर होंगी। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, आप इन तीनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करके आप वैल्यू एक्जेक्टली लूप की करंट की वैल्यू बता सकते हैं, कितनी कितनी आंसर आएगा ये आपको बताना है कमेंट में बताना है कि I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी आएगी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सो प्लीज कहीं पे डाउट होगा कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट लूप ABCF लेना है, सेकेंड लूप ABDE यानी हर बार एक लूप में एक बैटरी को कंसिडर करना है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने पढ़ने वाले बच्चों के पास में, जितने भी स्टूडेंट हैं 12th में हैं, जो 12th में पास अभी एग्जाम देना चाहते हैं या फिर जो भी 12th की प्रिपरेशन करेंगे 11th पास होकर 12th में पहुंचे हैं तो प्लीज, या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उनके पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।